नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आज की ताज़ा तरीन खबर लेके आया हूं। और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है। बीती रात रामपुर में मिलक और बिलासपुर रोड पर रामपुर पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक होंडा सिटी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तस्करों ने गाड़ी को नहीं रोका और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें दो गौ तस्कर घायल हुए हैं, जबकि पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। यानी कि पुलिस ने कुल मिलाकर छह लोगों को अपनी हिरासत में लिया है और दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं जो पुलिस मुठभेड़ में हुए हैं। देखिए, रात को मिलक बिलासपुर रोड पे पुलिस चेकिंग कर रही थी, हमारा अभियान भी चल रहा था गौ तस्करी और गौ पशु के खिलाफ। तो उसमें चेकिंग में गाड़ी को रोकने का कोशिश किया गया और उसने बैरियर तोड़ के भागी। तो उसका पीछा करके जब रोकने का पुलिस वहाँ तक पहुँची तो उसमें लोगों ने फायर किया पुलिस पर। तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें दो लोग इंजर्ड हुए, फायर में उनकी गोली लगी। ये तौसीफ सनफ उस्मान कुरैशी और अकरम, तो ये मौके पे इंजर्ड थे। इन्हें तत्काल उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया, अभी दोनों स्टेबल हैं, रेफर हो गए। इसके साथ साथ चार लोग और थे इनके साथ जो जंगल की तरफ भागे, जंगल में कॉम्बिंग करके रात में उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। इनके पास से एक सफ़ेद होंडा सिटी बरामद हुई जिसमें फर्जी नंबर प्लेट्स भी थी दो, साथ में दो तमंचे बरामद हुए, एक 315 बोर का है और एक 12 बोर का है। चार छुरी बरामद हुई है, एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी का कट्टा जो कि संभवतः गौ मांस के पार्ट में यूज़ किया गया था। और साथ में इनके पास से हमें छः मोबाइल फ़ोन और एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। तो पूछताछ में प्रिलिमिनरी में बताया कि ये मुस्तवली रुद्रपुर में गौकशी करते थे और बैल वहाँ से बरेली साइड से बैल ले जाके या गौवंशी पशु ले जाके रुद्रपुर में उनका वध करके और गौ मांस को मुरादाबाद और रामपुर साइड में सप्लाई करते थे। अभी पूछताछ और बाकी जो इनके चार साथी उनसे चल रही है, ये दो को रेफ़र कर दिया गया हॉस्पिटल, अभी भेज रहे हैं एम्बुलेंस से। और इनसे जो हमारी घटना थी 6 जून की, जो मिलक पे हमने मांस बरामद होता होंडा सिटी में, उसका भी इन्होंने कबूला है कि उसको ये उस दिन लेके जा रहे थे। पुलिस की उस दिन भी चेकिंग देखते ये लोग गाड़ी साइड में लगा के भाग गए थे। पूरा जो बाकी चार उनसे विस्तृत पूछताछ जारी है, साथ में इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाल रहे हैं। तो ये जो दो अभी इंजर्ड है इनका आपराधिक इतिहास है, इस पर चार मुकदमे चेकिंग मुकदमे हैं। बाकी जो चार पकड़े गए उनका भी अभी पूछताछ में आपराधिक इतिहास का। अभी इनको क्या मेरठ रेफर करा गया? हाँ, अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, स्टेबल है, दोनों आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन फिर भी मेरठ रेफर किया। तो अभी इनको एम्बुलेंस में डाल के भेजा गया। रामपुरी के सारे नहीं, इसमें एक रुद्रपुर का है, बाकी रामपुर के हैं। और भी पूछताछ में नाम आ रहे हैं, जो प्रकाश में इन्होंने बताया कि और भी इनके गैंग में लोग हैं उसमें ज़्यादातर मुरादाबाद के भी हैं। वो सब अभी हम वेरीफाई करा रहे हैं। अभी हमारी कस्टडी में इन दो के अलावा चार लोग और हैं, उन्हें भी जेल भेजेंगे। बीती रात जो मुठभेड़ हुई थी उस मुठभेड़ में पुलिस ने दोनों गौ तस्करों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा था, लेकिन वहाँ पर तैनात डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस ने इन गौ तस्करों से एक होंडा सिटी कार बरामद की है, लेकिन रामपुर पुलिस अधीक्षक की माने तो गौ तस्करी को रोकने के लिए रामपुर में व्यापक अभियान चलाया गया है। जगह जगह बैरियर लगाए गए हैं और वाहनों को रोक करके चेकिंग की जा रही है। बढ़ती गौकशी की घटनाओं को देखते हुए रामपुर पुलिस बहुत चौकस है।